गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हमारे किस टॉपिक पे होने वाली है। मेरा नाम है राज और वीडियो शुरू करते हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की स्टोरी हमारी चाव चाव से रिलेटेड होगी, जो एक महंगी ब्रीड है जो इंडिया में बहुत मुश्किल मिलती है, लेकिन इनकी हालत भी बहुत बुरी हो रखी है इंडिया में। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इनको कई लोग बड़ा होने के बाद अबैंडन कर देते हैं, यानी उनको घर से निकाल देते हैं, फिर उनका रहना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम जब मैं और मेरा दोस्त घूमने गए थे तो वहाँ पे हमने ऐसे एक चाव चाव देखा, देख के हम दोनों को शौक लगा कि ऐसी ब्रीड भी रोडों पर रहती है। उसकी हालत देख के आपको भी लगेगा कि इतनी प्राइस, इतनी महंगी ब्रीड होने के बाद भी लोग इसको ऐसे करते हैं। और ऐसा इस डॉग के साथ नहीं है, हर डॉग के साथ होता है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे ब्रीड डॉग हो। ऐसी कुछ वीडियो क्लिप हमारी अगली भी किसी वीडियो में मिलेंगी तो आप देख लीजिए। मसाले कुछ लेके आओ वे, तुम दूर से क्यों खड़े हो? हेलो गाइस, दिस इज द चाओ। ये चाओ चाओ डॉग ब्रीड है, बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ा हो चुका है वे। जैसे कि आपने इन वीडियो और क्लिप्स को देखा तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चाहे डॉग स्ट्रीट हो चाहे ब्रीड हो, आप जब भी उसको घर पे लाते हैं तो आप उसकी पूरी केयर कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर वो बूढ़ा हो गया तो आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा होने पे वो डॉग्स को क्या होता है, वहाँ रहने में सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होती है। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उसको जीने नहीं देते या उसके ऊपर मतलब सर्वाइव करने में मुश्किल करते। तो आप जो भी डॉग लाएं ध्यान रखें कि उसको अपने घर में रखें और उसकी लाइफ टाइम तक केयर करें। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।